वचन में दी गई वस्तु पर हमारा अधिकार है गुरु, और दास होने के नाते हमारा अधिकार, हमारे भाग का अमृत तुझे प्रभु से मांगना चाहिए था। शेषनाग वासुकी, जब अपने ही पुत्रों ने अमृत ना मांगा हो तो इस पराये से क्या आस रखूं मैं? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं दीदी? यदि नारायण ने अमृत देवताओं को देने का निर्णय किया है तो उसके पीछे कोई ठोस कारण अवश्य होंगे। हमारे लिए तो उनका आशीर्वाद ही पर्याप्त है। दूसरों की दया दृष्टि से कुछ भी मिल जाए उसे संतुष्ट हो जाना दासों के लिए उचित होता होगा दासी माँ, हमारे लिए नहीं। हमारी माँ ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि कोई हमारा अधिकार छीन ले और हम चुपचाप अत्याचार सहन कर ले। अमृत पर हमारा अधिकार है माँ, और वो अधिकार हम लेकर रहेंगे। हाँ माँ, जिस वस्तु का वचन दिया जा चुका उसे प्राप्त करना हर शूरवीर का धर्म होता है। जब अधिकार माँ के ना मिले तो छीनना आवश्यक हो जाता है माँ। परंतु अमृत देवताओं की सुरक्षा में है और उनसे युद्ध करना उचित नहीं होगा महाराणा। दीदी, नारायण के विरुद्ध जाने की भूल मत कीजिए, रोकिए इन्हें। आशीर्वाद दीजिए माँ। खड्गेन आक्रम्य भुजिता वीर भोग्य वसुंधरा। 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 अब क्या होगा माँ? प्रभु, पृथ्वी पर स्थिति सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रही। कद्रू ने ना तो विवाह में कुछ सीखा और ना ही व्यक्तिगत अनुभव से। ये जानने के बाद भी कि राहु के साथ क्या हुआ, उसने अपने पुत्रों को अमृत छीनने के लिए भेज दिया। कद्रू को यदि उचित अनुचित का भेद ज्ञात होता तो विंता को इतने समय तक उसके पास दासी बनकर नहीं रहना पड़ता। कहते हैं ना देव, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पर प्रभु, जब तक कद्रू की आंखें नहीं खुलेंगी विंता को दासत्व से मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु दत्तात्रेय ने कहा था विंता की मुक्ति अमृत से जुड़ी हुई है, पर कैसे प्रभु? विधि के विधान का केवल अनुमान लगाकर उसे समझा नहीं जा सकता देव। उसके अर्थ और उद्देश्य को तभी समझा जा सकता है जब जो होना वो हो गया है। प्रभु, मैं इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकती, कुछ तो संकेत दीजिए। विधि अपना रूप आकार लेना आरंभ कर चुकी है। इसके परम चरण में मेरी सहायता, बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे मेरे अंशावतार नक और नारायण करें। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक ओम नमः। नर नारायण, गरुड़ के आध्यात्मिक उत्थान का समय आ गया। हम समझ गए प्रभु, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। देवराज इंद्र का रथ, इसका अर्थ है मेरे पुत्र विजयी हुए। इंद्र को परास्त कर दिया उन्होंने और इंद्र ने अपनी प्राण रक्षा के लिए उन्हें अपना रथ उपहार में दे दिया। तभी तो वो इस दिव्य रथ में वापस लौट रहे हैं।
जिनका भाई अपने तन पर लगने वाले कोटि कोटि घावों के बारे में तनिक भी चिंता किए बिना समुद्र मंथन में स्वयं को घिसता रहा, कष्ट सहता रहा, तुम देवताओं के लिए अमृत प्राप्त करने का साधन बन गया। उन्हीं के साथ इतना निष्ठुर व्यवहार। ये उन्हीं वासुकी के भाई और आपके पुत्र हैं विमाता, इसीलिए जीवित हैं। अन्यथा अमृत छीनने के दुस्साहस में मृत्यु दंड मिला होता इन्हें। अमृत पर जितना अधिकार आप देवताओं का है, उतना ही मेरे पुत्रों का भी। ये भी महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं। अवश्य है, पर यदि अमृत पर उनका अधिकार होता तो परम प्रभु विष्णु स्वयं उन्हें अमृत दे दिए होते। पर अब आपको सत्य स्वीकार करना ही होगा, और सत्य यह है कि आपके पुत्र अमृत के योग्य है ही नहीं। क्यों, क्या कमी है मेरे पुत्रों में? कमी? विमाता, जब स्नेह अधिक बढ़ जाए तो पांव में बेड़ी और आंखों पर पट्टी बन जाती है, और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। माना मेरे नाग भाइयों ने अमृत की लालच में आकर देवराज पर आक्रमण करने की भूल की है, किंतु इन्हें बड़ी मां से इस प्रकार से बात नहीं करनी चाहिए। अब आपने पूछा है, इसलिए सत्य का दर्पण दिखाना मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। तो सुनिए, सबसे पहली कमी तो यही है कि इन्होंने अपनी मां के साथ उनके हर अधर्म में उनका अर्थात आपका साथ दिया है। फिर चाहे वो अपनी विमाता देवी विंता को दासी बनाकर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करना हो, या फिर डिम के भीतर अपने भाइयों के प्राण लेने का प्रयास करना हो, और केवल यही नहीं विमाता, इनमें दया और परोपकार की भावनाएं भी नहीं, स्वभाव से ही विषैले हैं ये। पर यदि अमृत पर इनका अधिकार हो गया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, और मैं ये होने नहीं दूंगा विमाता। पर देवराज, तुम ये बात इन्हें प्रेम से भी तो समझा सकते थे ना, तुम भी तो इनके भाई हो ना। हाँ देवराज, माँ सही कह रही है, इनके साथ इतने निष्ठुर व्यवहार की आवश्यकता नहीं थी। विमाता विंता, गरुड़, आप दोनों भूल रहे हैं कि पहला आक्रमण इन्होंने किया था। और ये बात भी सत्य है कि जिनकी माँ बुद्धिमान ना हो, जो अपनी ही महत्वाकांक्षा के कारण धर्म और अधर्म पर भेद नहीं करती हो, उन्हें बातों से क्या प्रेम से भी समझाना असंभव है। नियम के अनुसार मृत्यु दंड मिलना चाहिए इन्हें, पर मैंने इनके प्राण दान में दिए हैं। ये दया नहीं है तो और क्या है विमाता? अब इस क्षण के बाद किसी ने कभी भी अमृत पर कुदृष्टि डाली तो उसकी मृत्यु निश्चित है।
तू हमको संभालिए दीदी, कुछ नहीं होगा इन्हें, स्वस्थ हो जाएंगे ये। माँ ने इन्हें रोका भी था कि प्रभु विष्णु की इच्छा के बिना अमृत ग्रहण करना इन सबों के लिए उचित नहीं होगा। यदि ये तब समझ जाते तो ये दशा नहीं होती। बहुत पीड़ा पहुंची है बड़ी माँ को। देवराज को इनके पुत्रों के विषय में ऐसे ऐसे कठोर वचन नहीं कहने चाहिए थे। सबसे पहली कमी तो यही है कि इन्होंने इनकी माँ के साथ उनके हर अधर्म में उनका अर्थात आपका साथ दिया है। योनि वासुकी के भाई और आपके पुत्र हैं विमाता कद्रु, इसीलिए जीवित हैं, अन्यथा अमृत छीनने के दुस्साहस में मृत्यु दंड मिला होता इन्हें। विषैले हैं ये, पर यदि अमृत पर इनका अधिकार हो गया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और मैं ये होने नहीं दूंगा विमाता। विमाता, जब स्नेह अधिक बढ़ जाए तो पांव में बेड़ी और आंखों पर पट्टी बन जाती है और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अमृत पर इनका उतना ही अधिकार है जितना तुम देवताओं का। ये भी महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं। मैं जहां जहां जा रहा हूं ये दोनों मुझे वहां दिख रहे हैं, और ये मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? कौन है ये दोनों? ये अवश्य ही कोई देव आत्मा होगी, ये मुझे हर जगह दिख रहे हैं और इनके दर्शन से मन में शांति का अनुभव हो रहा है। गरुड़, आप दोनों कौन हैं?
मैं जहां जाता हूं आप दोनों के ही दर्शन होते हैं। आपके चारों ओर दिव्य आभा भी है। मुझे क्षमा कीजिएगा परंतु मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। मैं नर हूं और ये है नारायण। हम दोनों परम प्रभु विष्णु के अंशावतार। प्रणाम स्वीकार करें देव। और मुझ जड़ बुद्धि को क्षमा भी कीजिएगा, मैं आपके भेद को पहचान नहीं पाया। परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि आपके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे अकारण ही नहीं मिला। बताइए क्या क्या है मेरे लिए। सचमुच तुम तीव्र बुद्धि के स्वामी हो गरुड़। तुम चतुर, साहसी, धर्म का पालन करने वाले और संस्कारी भी हो। इनके अतिरिक्त भी कई गुण हैं तुम। हम उन्हीं गुणों को निखारने के लिए आए, तुम्हें योग्य बनाने के लिए आए। योग्य बनाने अर्थात? हाँ, तुम जिनकी कल्पना तक नहीं कर सकते, ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करना, विशेष उपलब्धियां प्राप्त करना, ये तुम्हारी नियति है गरुड़। परंतु नियति तभी प्राप्त की जा सकती है जब तुम उसके योग्य बनो। और योग्यता कैसे प्राप्त होगी, हम इसी का प्रशिक्षण देने आए हैं। ऐसा कौन सा कार्य करना है मुझे जिसके प्रशिक्षण के लिए श्री विष्णु के अंश अवतारों को स्वयं आना पड़ा? सही समय आने पर तुम्हें इसका कारण और उद्देश्य दोनों पता लग जाएंगे। किंतु अभी हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम मन से, कर्म से और वचन से इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए तैयार? मैं आपके हर शब्द को आदेश मानकर स्वीकार करूंगा गुरुदेव। बताइए क्या करना होगा मुझे। दीदी ले, कब तक विंता, कब तक मेरे पुत्र यूं ही युद्ध में पराजित होते रहेंगे और चोटिल होते रहेंगे। ये औषधि इनके तन के घाव को तो ठीक कर देगी, किंतु मेरे मन पे जो आघात लगा है उसे कौन ठीक करेगा। मैं भीतर से रक्त रंजित हो गई हूं, उसकी पीड़ा कैसे ठीक होगी, कैसे विंता, कैसे। दीदी जो नहीं मिला है उसके बारे में सोचकर स्वयं को दुखी क्यों कर रही है। जो मिला है उस सौभाग्य का ध्यान कीजिए। स्वयं माँ लक्ष्मी और प्रभु विष्णु ने आपको आशीर्वाद। दीदी दी।
ये नागपुत्र इतने कष्ट में है, दीदी क्रोध में है और गरुड़ भी दुखी होकर न जाने कहाँ चला गया है। मेरा परिवार बिखर रहा है प्रभु, इसे संभालने में मेरी सहायता कीजिए। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरण्यधीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ॐ ये क्या है गुरुदेव, क्या महत्व है इसका? ये पांच अग्नियों का ज्ञान देने वाली पंचाग्नि विद्या है गुरु। इसका अर्थ चारों दिशाओं अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से प्रकट होने वाली सूरज देव की ऊर्जा और इस हवन कुंड से प्रकट होने वाली अग्नि देव की ऊर्जा, इन पांचों का मिश्रण। इससे साधक के अंतर्निहित शक्ति के प्रकटीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि यह विद्या साधक के आत्मिक विकास की नींव। इस संसार में आत्मा जन्म लेती है और नियत जीवन व्यतीत करके मरण को प्राप्त हो जाती है। ऐसा चक्र सदैव चलता रहता है निरंतर। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है और इस चक्र से व्यक्ति को मुक्ति कैसे मिल सकती है, यह सब ज्ञान पंचाग्नि विद्या से मिल सकता है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। हम सब में एक दिव्य महाशक्ति छुपी होती है जिसका नाम कुंडलिनी। सामान्य रूप से यह महाशक्ति हमारे तन में सुप्त अवस्था में विद्यमान होती है, पर यदि इसे जगाया जाए तो सातों चक्रों से होते हुए ऊपर की ओर मस्तिष्क तक जाती और सभी चक्रों को जागृत कर देती। इनमें प्रथम चक्र होता मूलाधार चक्र। मेरुदंड के मूल में स्थित इस चक्र को जब जागृत किया जाता है तो विभिन्न चुनौतियों का सामना करने की हमारी क्षमता में अद्भुत आत्मविश्वास का अनुभव होता। ऐसा लगता है जैसे हम अपने दोनों पांव पर पूरी दृढ़ता से खड़े होने में सक्षम है, पर जब ये अवरुद्ध तो हमें संकट का आभास होता। ऐसा लगता है जैसे हम अस्थिर भूमि पर खड़े हैं और कभी भी गिर सकते हैं। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, ये उदर के निचले हिस्से यानी नाभि के तनिक नीचे स्थित होता है। ये साधक के आत्मिक विकास के दूसरे चरण का प्रतीक है। हम अपनी और अन्य व्यक्तियों की भावनाओं के साथ कैसे जुड़ते हैं, इसे समझने में ये चक्र हमारी सहायता करता है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, उदर के ऊपरी भाग में स्थित यह चक्र आत्मविश्वास को नियंत्रित करता है। जब साधक की कुंडलिनी मणिपुर चक्र तक पहुंच जाती है तो उसे स्पष्टता, आनंद, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और सही निर्णय लेने की योग्यता अपने आप प्राप्त हो जाती है। चौथा चक्र अनाहत चक्र, हृदय के समीप व्यक्ति के वक्ष के मध्य में स्थित ये चक्र अपने से नीचे और अपने से ऊपर चक्रों के मध्य में पुल की भांति कार्य करता है। प्रेम, आनंद और शांति इसी चक्र के नियंत्रण में। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र। कंठ के पीछे स्थित ये चक्र संवाद, अभिव्यक्ति और सत्य को नियंत्रित करता है।
आज्ञा चक्र, चक्रों के इस क्रम में ये छठा चक्र है गर्ग। कुछ व्यक्ति इसे साधक की तीसरी आंख भी कहते हैं, क्योंकि ये आत्मा की आंख की तरह कार्य करता है। इसके सिद्ध हो जाने पर साधक को अंतर ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है और अंतर ज्योति दिखाई देने लगती है। और फिर सबसे ऊपर होता है सहस्त्रार चक्र या चक्रों का मुकुट। ये सर्वोच्च चक्र होता है गरुड़। मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित ये चक्र एक सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल के समान होता है। यदि साधक इसे सिद्ध कर ले तो उसकी कुंडलिनी शक्ति पूर्णता पा जाती। तब साधक आत्म अनुभूति और ईश्वर की अनुभूति करने में सक्षम हो जाता है। तब उसका मन पूरी तरह से निश्चल हो जाता है और उसकी आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। ये शक्ति तो बहुत ही अद्भुत है गुरुदेव। क्या मैं कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया इस क्षण आरंभ कर सकता हूं? ये प्रक्रिया आसान नहीं है गुरु। तुम्हें इस साधना में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। मैं वचन देता हूं गुरुदेव, मैं आपके सभी निर्देशों का पूरी तरह से पालन करूंगा। हमारे सामने जो अग्नि प्रज्वलित है उस पर ध्यान केंद्रित करो। यह अभ्यास तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने हेतु आवश्यक है। कोई भी विद्या ग्रहण करने के लिए मन तथा मस्तिष्क को एकाग्र करना आवश्यक है। प्रभु, गरुड़ को गुरु की सहायता अवश्य मिली, पर क्या सच में वो अपनी कुंडलिनी जागृत कर पाएगा? क्यों नहीं शेष, इतनी छोटी आयु में गरुड़ ने इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त की, यदि मन और मस्तिष्क में ठान ले तो वो अवश्य सफल होगा। ये कहना सरल है देवी, पर करना कठिन, बहुत कठिन। मुझे इस अग्नि को और कितनी देर तक देखना होगा? गरुड़ का मन तो बहुत ही चंचल है, इतने शीघ्र भटक गया। इतने शीघ्र ही धैर्य को खो दोगे तो साधना कैसे करोगे गरुड़? यदि तुम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हो तो योग, प्राणायाम और विश्राम के नियमों का कड़ा पालन करना होगा और ध्यान सदैव अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना होगा। इस प्रक्रिया में तुम जितने विचलित होगे उतना ही अधिक समय लगेगा। यदि गरुड़ इस प्रथम चरण को ही पार न कर सका तो ये अपने जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त कर लेगा? Thank you.
करुण पूरी रात बीत गई है, करुण अभी तक लौटा क्यों नहीं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। करुण स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर रहा है प्रभु, अब मुझे उसकी चिंता नहीं है। आप उसके मन को अवश्य शांत करेंगे। ना मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है और ना ही आपकी दया की। यहाँ भगवान सो रहे और वहां उनका भक्त। योग निद्रा का भी अपना ही महत्व है देव। जितना परिश्रम आवश्यक है उतना ही विश्राम। परंतु प्रभु, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं प्रभु कि केवल गरुड़ ही नहीं, ध्यान की अवस्था में जाना लगभग सभी के लिए इतना कठिन क्यों होता है? कभी मस्तिष्क भटक जाता है तो कभी मन, और जब दोनों नियंत्रण में आ जाते हैं तो नींद आ जाती है। ऐसा क्यों होता है प्रभु? क्योंकि शेर जब तन स्थिर होता तब मन विचरण करने लगता, और जब तन और मन दोनों स्थिर होते तो अवचेतन मन गतिशील हो जाता। शेर यह अवचेतन मन तभी सक्रिय होता है जब हम स्वप्न देखते हैं, इसलिए आरंभ में सभी को नींद आती है। पर इस नींद में जब कोई स्वप्न आता है तो जब तक वह स्वप्न साकार नहीं हो जाता नींद नहीं आती। यदि तू मेरा यह कार्य करने के लिए तैयार है तो मैं तुझे और तेरी मां को दासत्व से मुक्त कर दूंगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए करो, इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं। मेरा पुत्र और मैं, हम दोनों मुक्त हो गए, दासत्व से मुक्त हो गए हम दोनों। स्वप्न देख रहा था मैं, और इस स्वप्न को सत्य में परिवर्तित करके रहूंगा। यदि मैंने नर नारायण द्वारा दी गई शिक्षा को योग्यता से प्राप्त कर ली
तो उनके कहे अनुसार मैं भविष्य में कई उपलब्धियां प्राप्त करूंगा और उनमें से मेरी प्राथमिकता होगी माँ को दासता से मुक्ति दिलाना। अब मुझे और भी कठिन साधना करनी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गरुड़, मूलाधार चक्र मेरे द्वारा नियंत्रित होता है, मैं तुम्हारे लिए उसे जागृत करता हूँ ताकि तुम जीवन संघर्ष की चिंता से उबर सको। अंततः गरुड़ स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच ही गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वाधिष्ठान चक्र को मैं नियंत्रित करता हूं गरुड़। तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर तुम्हारे इस चक्र को मैं जागृत करता हूं। अब से तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवा। प्रभु, क्या ये सत्य है? क्या गरुड़ मणिपुर चक्र के क्षेत्र तक पहुंच गया है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं मणिपुर चक्र को नियंत्रित करता हूं गरुड़। तुम्हारी यहां तक की साधना सफल हुई, इसलिए मैं तुम्हें आत्मविश्वास, स्पष्टता और ज्ञान का आशीर्वाद देता हूं और तुम्हारे इस चक्र को जागृत करता हूं। प्रभु, तुमने अनाहत चक्र को भी सिद्ध कर लिया है गरुड़। ये साधना के उच्च स्तरों तक पहुंचने में तुम्हारी सहायता करेगा।
जब विंता माँ को गरुड़ के इस असाधारण उपलब्धि के बारे में पता चलेगा तो कितनी प्रसन्न होंगी वो। ये क्या हो रहा है? जब वासुकी को लेके जाना था तब देवताओं और असुरों दोनों ने सहमति दी थी कि मेरे पुत्रों में भी अमृत बांटा जाएगा। कद्रू, तू फिर से वापस आ गई। मेरा उपहास उड़ाने आई है ना तू? तू मूर्खता कर दी जाए और मैं तुझ हंसू भी नहीं? नहीं सुननी मुझे तुम्हारी हंसी। तेरी हंसी मेरे कान भेद रही है। चली जा यहां से, जाओ। दो पल के लिए, केवल दो पल के लिए अपने अभिमान को त्याग कर दे कद्रू। ओ मेरी बात सुन, तू जो कर सकती थी तूने वो सब कुछ किया, कि तू फिर भी असफल रही ना। स्पष्ट है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस मार्ग पर तुम चल रही थी वो उचित नहीं है। अभी भी समय है कद्रू, अपना मार्ग बदल दे। विनम्रता से स्वीकार कर ले कि विधि का विधान तू नहीं बदल सकती। महत्वाकांक्षाएं आवश्यक है किंतु उसकी अति सदैव पूरी होती है। मेरी अंतरात्मा क्या संदेश दे रही है मुझे? माँ, क्यों प्रभु? सखी सरस्वती ने गरुड़ को साधना के और ऊंचे स्तर तक पहुंचने से क्यों रोका? सरस्वती ज्ञान की देवी, और किसको किस समय कितने ज्ञान की आवश्यकता ये उनसे बेहतर और कौन जान सकता है? प्रणाम स्वीकार करें। जानते हो गरुड़, मुझे तुम्हारी साधना को बीच में ही क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि परम ईश्वरीय सत्ता के साथ एकाकार होने के लिए जिस सर्वोच्च आध्यात्मिक यात्रा की आवश्यकता है उसके लिए तुम तैयार नहीं हो गरुड़। अपनी उस यात्रा को आरंभ करने से पहले तुम्हें मात्र ऋण चुकाना होगा। तुम्हें अपनी माँ को दासता से मुक्त कराना होगा। उसके बाद ही तुम उस महायात्रा के योग्य बनोगे। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? गरुड़ आपका वाहन बनेगा, ये तो नियति है उसकी।
किंतु फिर उसकी शिक्षा में ये प्रावधान क्यों? हो ना हो, अवश्य इसमें भी गरुड़ का कल्याण निहित है। मैं समझता हूं, मैं तो इस बात से प्रसन्न हूं कि मेरा अनाहत अर्थात हृदय चक्र जागृत हो गया। मैं मेरी मां को कब और कैसे मुक्त करा पाऊंगा ये मैं नहीं जानता, पर हम तो कराऊंगा ये अवश्य जानता। और जहां तक प्रश्न आगे की यात्रा का है मां, तो मेरी मां सदैव कहती है यदि मन भक्ति से भर जाए तो प्रभु को पाने की शक्ति अपने आप ही अर्जित की जा सकती है। प्रभु की कृपा से मैं ये योग्यता भी अर्जित अवश्य कर लूंगा। तुम अपने दोनों लक्ष्य अवश्य पूर्ण करोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गुरुदेव, आप दोनों मेरे इस जागरण के आध्यात्मिक प्रक्रिया में मेरे गुरु बने, मेरा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। अब मेरे मन की जिज्ञासा केवल आप दोनों ही शांत कर सकते हैं, इसलिए मुझे बताइए गुरुदेव, ऐसा कौन सा कार्य करना है मुझे जिसके लिए आप दोनों ने मुझे शिक्षा दी है? उस कार्य को समझने के लिए तुम्हें देवी कद्रू के मन को समझना होगा। गुरुदेव जाओ पूछो उनसे कि उनके मन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। जो आज्ञा गुरुदेव। अब किसी भी मूल्य पर अपनी मां को दास्ता से मुक्त करा कर रहूंगा। मां, ऐसे चिंतित नहीं देख सकता मां, बताइए क्या है आपके मन में, क्या है आपकी सबसे बड़ी इच्छा? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी अंतरात्मा मुझे कोई संदेश देना चाहती थी और अभी एक गरुड़ यहां अचानक, इसका क्या अर्थ हो सकता है? माँ को ये क्या हो गया प्रभु? ये मैं भी सोच रही हूं, कद्रु इतनी भयभीत क्यों हो गए? यही तो मनुष्य की विडंबना है, वो सदैव चाहता है कि भगवान उसे वो दे दे जो उसके मन की सबसे बड़ी इच्छा, पर यदि अचानक स्वयं भगवान आकर ये कह दे कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तब उसे विश्वास नहीं होता, वो शक पका जाता है और ऐसी अवस्था में कुछ ऐसा मांग लेता है जो उसे नहीं मांगना चाहिए। ये प्रश्न क्यों? क्या उद्देश्य थी और क्यों जानना चाहता है मेरी इच्छा? तो मैं तो बस आपकी चिंता दूर करना चाहता हूं, आपको प्रसन्न देखना चाहता हूं, कुछ भी ऐसा है जिससे आपको शांति मिले, जिससे आपका मन संतुष्ट हो, मुझे बताइए, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े, बताइए मां क्या इच्छा है आपकी? खा
खड़गीन आक्रम जीता वीर भोग्या वसुंधरा। मेरे पुत्र सबसे शक्तिशाली हो, स्वर्ग के सिंहासन पर राज करे, अजर अमर हो जाए, और अमृत चाहिए मुझे। प्रभु, मां गरुड़ से ऐसी अनुचित मांग कैसे कर सकती है? देवराज इंद्र ने इतना समझाया, फिर भी कद्रु समझ क्यों नहीं रहे? अपने पुत्रों को मरणासन अवस्था में देखने के बाद भी उसका मन मान क्यों नहीं रहा कि अमृत पर इनके पुत्रों का अधिकार नहीं है? प्रभु, आपने ही कद्रु के मन में अमृत की इच्छा जगाई प्रभु। पर क्यों आप गरुड़ को इतने बड़े धर्म संकट में डाल रहे हैं? यदि गरुड़ को भविष्य में मेरा वाहन बनना तो सर्वप्रथम उसे धर्म योद्धा बनना होगा। धर्म और अधर्म दोनों को समझना हो, यह गरुड़ की परीक्षा है देव। अब देखना यह कि वह किसका चुनाव करता है। हाँ, अमृत चाहिए मुझे। दीदी के पुत्रों के पास संजीवनी विद्या है और अदिति दीदी के पुत्रों के पास अमृत है, तो फिर उनसे रक्षा के लिए मेरे पुत्रों के पास भी समान शक्तियां होनी चाहिए। बस एक बार उन्हें अमृत मिल जाए तो मन का भय समाप्त हो जाएगा। उसे मृत्यु नहीं हो सकती तो है किस बात का? माँ, ये क्या मांग रही है? वही जो मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। मुझे अमृत चाहिए गरुड़। और मुझे विश्वास है कि तू ही ये काम कर सकता है, क्योंकि देवता तुझ पर विश्वास करते हैं। ना तो तू मंदराचल पर्वत उठाता, ना मंथन होता, और ना उन्हें अमृत मिलता। तू अमृत लाके दे मुझे, वो तुझे मना नहीं करेंगे। करुण, जा अमृत लाके दे मुझे। बस कीजिए महाराज, मैं अमृत नहीं ला सकता। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं कि अमृत किसे मिलेगा किसे नहीं, इसका निर्णय केवल और केवल प्रभु विष्णु ही ले सकते हैं। करुण सही कह रहा है दीदी, आपकी ये मांग अनुचित है। बस इतनी शीघ्र समाप्त हो गया तुम दोनों का स्वांग? स्वांग और नहीं तो क्या? जब मेरी इच्छा पूरी नहीं करनी थी तो मेरे मन में आग क्यों जगाई तूने? मैं अपनी मांग लेके तेरे पास नहीं गई थी, तू स्वयं आया था मेरे पास। स्मरण है ना तूने क्या कहा था? मां बताइए अपनी इच्छा, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। और जैसे ही मैंने अपनी इच्छा प्रकट की, मां से महारानी बन गई तेरे लिए। हर बार कोई ना कोई षड्यंत्र करता है तू गरुड़, और आज भी मेरी मां की भावनाओं के साथ खेल रहा है गरुड़। नहीं कार्य भैया, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। आज तूने शांत जल में कंकड़ मारकर फिर हलचल उत्पन्न की है गरुड़।
मां सदैव तेरे ही कारण हम सबके लिए चिंतित रहती है, लेकिन और नहीं। आज मैं मां की इस चिंता के कारण को सदैव के लिए समाप्त कर दूंगा। कालिया, कालिया भैया क्या कर रहे हैं? कालिया भैया, कालिया पुत्र क्रोध से समस्या सुलझती नहीं और उलझ जाती है। मां पर आक्रमण करने की भूल मत करना। करुण, मां ने पुकार लगाई और जाकर छुप गया आंचल के पीछे। साहस है तो फिर से आकर एक शब्द और नहीं, पहले तो मुझे लज्जित कर चुका है, अब क्या मेरा शीश लज्जा से झुकवाएगा तू? समझा तू मैं इनकी इतनी चिंता क्यों करती हूं? क्योंकि ये भी तेरी तरह अपनी मां के सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, किंतु असमर्थ हैं। मां, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच में आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, परंतु ये कार्य मेरे लिए असंभव है। प्रभु विष्णु इस जगत के संचालक हैं, यदि उन्होंने किसी को अमृत दिया है किसी को नहीं, तो इसके पीछे अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। मां, ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाए। दीदी, यदि सभी प्राणियों के लिए अमृत आवश्यक होता तो नारायण बिना मांगे ही दे देते, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने जल, वायु, सूर्य और वनस्पति ये सब हमें दिए हैं। मां, यदि आपकी कोई और इच्छा है तो प्रकट कीजिए, परंतु ये अधर्म मैं नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें। गरुड़ और विंता माँ से जैसी आशा थी, उन्होंने वैसा ही उत्तर दिया। प्रभु, मुझे भी दृढ़ विश्वास था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर गरुड़ कभी अधर्म का मार्ग नहीं चुनेगा। जब तक ना खोने की आशंका ना पाने की आशा, तब तक चुनाव सरल ही होता है। देव, देखना तो ये कि जब दाव पर अमृत से भी कुछ बड़ा, तब गरुड़ अपना चुनाव बदलेगा या नहीं। अमृत से भी बड़ा? हाँ प्रभु, अमृत से बढ़कर क्या हो सकता है? धैर्य, धैर्य रखना होगा आप दोनों को। मैंने पहले भी कहा था, विधि के विधान को घटते हुए देखने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी आपको। हर गरुड़, अधर्म तो तब होगा ना जब मेरे पुत्र अमृत या अमृत से मिलने वाली शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। मैं तुम्हें वचन देती हूं, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। देवताओं की तरह वो भी केवल अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करेंगे उसे। यदि हम दोनों पल भर के लिए आपकी बातों पर विश्वास कर भी लें,
फिर भी दीदी, करुण अमृत लाएगा कैसे? राहु ने छल से अमृत लाने का प्रयास किया था तो प्रभु विष्णु ने उसकी क्या दशा की थी? आज उसका सर और धड़ ब्रह्मांड में राहु और केतु बनकर भ्रमण कर रहे हैं। आपके पुत्रों ने बल से अमृत छीनने का प्रयास किया था तो उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? आप सब जानती हैं दीदी, यदि आपके इतने सारे शक्तिशाली पुत्र मिलकर भी इंद्र का सामना नहीं कर पाए तो मेरा पुत्र अकेले उन सभी देवताओं का सामना कैसे करेगा? तो अंत में देवी विनता भूल कर ही बैठी। इन्हें ये नहीं कहना चाहिए था। ऐसा क्यों प्रभु? जिस पल देवी विनता ने पल भर के लिए कद्रू की बातों पर विश्वास करने की बात कही, उस समय इन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी। अब तक इनका विश्वास एक पहाड़ की तरह अटल था, पर अब इनकी ये बात उस पहाड़ में दरार बन जाएगी और अवसरवादी कद्रू इस दरार को खाई में बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तो फिर अब क्या होगा प्रभु? हम साथ में पले बढ़े, विवाह किया, जीवन का अधिकतम समय हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया, किंतु आज भी एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में घूमता रहता है। तू इतनी भोली है या भोली होने का स्वांग रच रही है? अपने इस पुत्र के सामर्थ्य पे तुझे संदेह है, जिसे वाल्किल्य ऋषियों ने इंद्र से 1000 गुणा अधिक शक्तिशाली होने का वरदान दिया था। ऋषि कश्यप को अगली संतान के रूप में ऐसा पुत्र देना जो इंद्र से 1000 गुणा अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। ये तो इतना हठीय विनता कि अपने एक प्रश्न के उत्तर के लिए 7 लोग पार करके वैकुंठ तक चला गया था। असुरों की सेना का सामना इसने अकेले किया। यदि आपकी सेना का कोई एक भी योद्धा मुझे पराजित करके इस रेखा को पार कर लेगा, मैं स्वयं अपनी हार मानकर यहां से चला जाऊंगा। सूर्य का ताप इसका एक पंख तक न जला सका, शनि की वक्र दृष्टि इसका कुछ न बिगाड़ सकी। जिस मंद्रांचल पर्वत को असुर और देवता हिला तक नहीं पाए थे, तेरे पुत्र ने उसे स्वयं अपने हाथों से उठाया। जब ये सब कुछ कर सकता है तो मेरे लिए अमृत लाना कौन सी बड़ी बात है? वो भी तब जब ये स्वयं उसे जयंत के साथ मिलकर स्वर्ग की सुरक्षा रेखा में रखकर आया हो। सत्य तो यह है वीरता, यदि तेरा पुत्र एक बार ठान ले तो संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे करने में वो सक्षम ना हो। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। प्रभु, कद्रु गरुड़ को धर्म के मार्ग से भटकाने का पूर्ण प्रयास कर रही है। आज अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सही, कम से कम आपने मेरे गरुड़ की शक्ति और सामर्थ्य को स्वीकारा तो। वो सब मैं इसलिए कर पाया था क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ के आशीर्वाद की शक्ति थी, और जब तक प्रभु और माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। प्रभु,
माँ विंतु और गरुड़ तो सही कह रहे हैं, तो फिर आप इतने निराश क्यों हैं? क्योंकि गरुड़ ने जो कहा वो इसे नहीं कहना चाहिए था। जब तक वह इस तर्क पर अड़िग थे कि वह अधर्म के मार्ग पर नहीं चले गए, तब तक स्थिति उसके नियंत्रण में थी। पर अब इसने देवी कद्रू को शब जाल से निकलने के लिए अस्त्र प्रदान कर दिया, और यदि देवी कद्रू इसे किसी तरह बाध्य कर दे तो ये मां का आशीर्वाद लिए बिना भी देवी कद्रू की इच्छा पूरी करने के लिए विवश हो जाएगा। प्रभु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लीला आप स्वयं रच रहे हैं और इसे साकार होते हुए देख आप मन ही मन प्रसन्न हो रहे? हाँ प्रिय, ये मेरी ही लीला। जीवन में कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हर जीव को संघर्ष और पीड़ा से सम्मुख होने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस परीक्षा से गरुड़ के विचार, संस्कार और व्यवहार का मंथन हो, तब जाकर इसका जीवन अमृत बन पाएगा। अब चाहे जो भी हो दीदी, ये सब बातें करने का कोई लाभ नहीं है। गरुड़ प्रभु विष्णु और मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेगा, इसलिए आपकी कोई और मनोकामना है तो बताइए, अन्यथा हमें आज्ञा दीजिए। माँ ने रोक लिया, अन्यथा दासी माँ और उसके पुत्र दोनों को माँ की बात नहीं मानने के लिए जरूर दंड देता। चल गरुड़। ऐसे नहीं जा सकता गरुड़, तू मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। अमृत की सुबह दिखाकर तू पांव पलट कर नहीं जा सकता गरुड़। रुक जा गरुड़। स्मरण कर, मेरी इच्छा पूरी करने का विचार तेरे मन में अपने आप आया था, और मन का विचार ईश्वर का स्वर होता है। हो सकता है प्रभु विष्णु भी यही चाहते कि तू मेरी मनोकामना पूर्ण करे। चल गरुड़। रुक! रुक जा। बस एक बार ये मेरी इच्छा पूरी कर दे, फिर तू जो चाहेगा मैं सब करूंगी। कोई इच्छा नहीं हमारी। कुछ नहीं चाहिए हमें। मां को इतना बेबस आज से पहले कभी नहीं देखा। चल गरु। मुक्ति भी नहीं।
क्या कहा आपने अभी? तू मुझे अमृत लाके दे और मैं तुझे दूंगी अपनी दासता से मुक्ति। जिस पल तू मेरे नेत्रों के समक्ष अमृत लाकर रखेगा बस उसी पल, उसी पल तुझे और तेरी माँ को अपनी दासता के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर दूंगी मैं। प्रभु इतनी कठिन परीक्षा। प्रभु आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? करुण सीधा साधा भोला भक्त है आपका, इतने बड़े धर्म संकट में डालने से पहले आपका हृदय नहीं कांपा? एक ओर उसकी मां की मुक्ति और दूसरी ओर धर्म, उसके पास विकल्प ही क्या है? वो जो भी धर्म का मार्ग चुनेगा कोई ना कोई अधर्म तो करेगा ही। अगर वो अपनी माँ का चुनाव करता है तो भी अधर्म करेगा, और यदि माँ की मुक्ति का मार्ग जाने के बाद भी मुक्ति का प्रयास ना करे तो भी अधर्म ही कहलाएगा। धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध तो पक्ष लेना आसान होता है देव, असली परीक्षा तभी होती जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धूमिल हो जाए और उचित मार्ग चुनना कठिन हो जाए। यदि भविष्य में गरुड़ को मेरा वाहन बनना है तो उसे इस अग्नि परीक्षा से गुजरना ही होगा। करुण चल मेरे साथ। जब से तेरा जन्म हुआ है तेरी बस एक ही इच्छा है। कोई इच्छा नहीं है तेरी, अपनी माँ की मुक्ति। नहीं चाहिए मुक्ति मुझे। आज तेरे सामने वो अवसर है कि तू अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है, अपनी माँ को हर बंधन से मुक्त करवा सकता है। बस एक बार मुझे अमृत कलश लाके दे दे। बोल, करेगा ना ये कार्य अपनी माँ के लिए? गरुड़ के भावनाओं का प्रयोग माँ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करना चाह रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ तक तू कि करुड़ अब क्या करेगा। समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत तेरे जीवन के सारे विष को समाप्त कर देगा। ऐसा कौन सा कार्य करना है मुझे जिसके लिए आप दोनों ने मुझे शिक्षा दी? उस कार्य को समझने के लिए तुम्हें देवी कद्रू के मन को समझना होगा। जाओ पूछो उनसे कि उनके मन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। नहीं नहीं करूं, इस बारे में सोचना भी मत। अधर्म से मुक्ति कभी नहीं मिलती करूं। परंतु मां कुछ मत कह, मैं जीवन भर दास्ता में बिता दूंगी पर तुझे ही अधर्म करने की आज्ञा कभी नहीं दूंगी। अनेक बार मुझे भावुक करके भ्रमित करके नियंत्रित करके अपनी इच्छा मनवा चुकी है आप, पर अपने पुत्र के जीवन के साथ फिर से ये खेल मैं आपको कभी नहीं खेलने दूंगी। चल करूर।
क्षमा करना मां, किंतु आपको दास्ता से मुक्त कराने हेतु यदि मुझे आपके विरुद्ध भी जाना पड़े तो मुझे स्वीकार है। मैं जानती थी एकमात्र विनता ही है जिसके समक्ष करुण के लिए धर्म अधर्म सब व्यर्थ है। अब करुण विनता की मुक्ति के लिए मेरे पास अमृत अवश्य ले आएगा, चाहे फिर उसे प्रभु विष्णु की इच्छा के विरुद्ध क्यों ना जाना पड़े। आप मेरी माँ हैं और आप ही मेरा धर्म है। आपसे अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए कोई नहीं। आपकी मुक्ति के लिए मैं अमृत तो क्या, पूरे संसार को बड़ी माँ के चरणों में लाकर रखने के लिए तैयार हूँ। क्या दाव खेला, अद्भुत है आपकी बुद्धि, विलक्षण है आपकी चतुरता। आज जो कुछ भी हमने देखा वो कल्पना से परे। आज पहली बार मां और पुत्र के बीच मतभेद हो गया, वो भी हमारी मां के कारण। मेरी माँ है और आप ही मेरा धर्म है। आपसे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं, कोई नहीं माँ। आपकी मुक्ति के लिए मैं अमृत तो क्या, पूरे संसार को बड़ी माँ के चरणों में लाकर रखने के लिए तैयार माँ। तू जो करना चाहता है वो अधर्म है, धर्म के विरुद्ध युद्ध है, अपराध है वो। भी यदि तू ये करना चाहता है ना तो जान ले गरुड़, मैं इस पाप में साथ कभी नहीं दूंगी। तुझे आशीर्वाद देना तो दूर की बात है, पहली बार जीवन में ये कामना करूंगी कि तू अपने लक्ष्य में असफल हो जाए। तुम्हारा आप सदैव कहती है कि संसार में जो भी होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। प्रभु की इच्छा है कि अमृत केवल देवताओं को मिले। अपने इस लक्ष्य के लिए तेरे प्रभु ने कितना कष्ट सहा है, इतना लंबा समय माँ लक्ष्मी के वियोग में बिताया, कच्छप अवतार लेकर अपनी पीठ पर इतने विशाल पर्वत को उठाया, उसके बंधन का भार सहा, और केवल प्रभु विष्णु ही क्यों, स्वयं महादेव ने हलाहल तक पिया है इस लक्ष्य के लिए। केवल इसलिए ताकि अमृत प्रकट हो पाए और वो उन्हें मिल पाए जो उसकी शक्ति का प्रयोग संसार की भलाई के लिए करेगा। पर ये सब मैं तुझे क्यों बता रही हूँ, तू स्वयं था ना वहाँ, तूने देखा था ना कितनी कठिनाइयों के बाद अमृत मिला, उसकी एक एक बूंद कितनी मूल्यवान है।
सब जानते हुए भी तू केवल मेरी मुक्ति के लिए अमृत उन नागों को सौंप देना चाहता है जो स्वयं प्रभु की दृष्टि में योग्य है। ने जो भी कहा वो एक एक शब्द सत्य है, इसीलिए सत्य अर्थात स्वयं प्रभु विष्णु को साक्षी मानकर मैं ये कह रहा हूं, यदि इस कार्य में इन्होंने मुझे अनुमति दे दी तो आपको भी अनुमति देनी होगी। मां, भगवान धार्मिक कार्य की अनुमति देते हैं गरुड़, अधर्म की प्रेरणा क्यों देंगे वो? मैं नहीं जानता मां, परंतु जिस तरह आपका विश्वास इतना अटल है कि इस कार्य में प्रभु की सहमति नहीं है, उसी तरह मेरा भी विश्वास अटल है कि समस्त संसार में जो कुछ होता है नारायण की इच्छा से ही होता है। इसीलिए मां, हम दोनों में से कौन सही है इसका निर्णय स्वयं नारायण को ही लेना होगा। प्रभु के चरणों में रखा ये नारियल, यदि सुबह होने से पहले इसमें कोपल हो गए तो मैं इसे प्रभु के आशीर्वाद का संकेत समझूंगा और आपको मुझे अनुमति देनी होगी। यदि भोर होने से पहले इस नारियल में से कोपल नहीं होगी तो मां आप जो कहेंगे मैं सर झुकाकर चुपचाप स्वीकार कर लूंगा। अब आएगा आनंद, आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए था प्रभु। आप अपनी भक्त की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अब आपको भी अपनी भक्त की परीक्षा देनी होगी। अगर कोपल उगी तो गरुड़ अमृत लेने जाएगा तो अधर्म नहीं होगा, और अगर कोपल नहीं उगी तो अमृत लेने गरुड़ जाएगा ही नहीं और आपकी योजना असफल हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे प्रभु? विश्राम, जब कोई बड़ा कार्य करना हो तो पहले अपने मन को स्थिर कर लेना चाहिए, है ना दी? क्या लगता है मां, गरुड़ अमृत आ पाएगा या छोटी मां उसे रोक लेगी? आप तो सर्वज्ञता हैं भगवान दत्तात्रेय, हमारे मन की भी इच्छा सुन लीजिए। गरुड़ को यह धर्म करने से बचा लीजिए भगवान। अब तो बस मेरी एक ही आशा है प्रभु, गरुड़ को मेरी मुक्ति के लिए इतने बड़े संकट का सामना ना करना पड़े। बस किसी तरह इन्हें यह आभास हो जाए कि दास्ता से इनकी मुक्ति ही मेरा सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख धर्म है। यदि मैं अपनी माँ को स्वतंत्र जीवन का उपहार नहीं दे पाई तो फिर कभी कुछ और नहीं कर पाऊंगा मैं। गरुड़ सही कह रहा है, जब तक वो अपनी माँ को और स्वयं को दासत्व से मुक्त नहीं कर लेता वो प्रभु का वाहन नहीं बन सकता।
इसका अर्थ तो ये है कि अब तक मैं विरोध कर रही थी, पर वास्तविकता में प्रभु ने मेरी मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए ये सारी लीला रची है। अमृत तो केवल एक माध्यम था। वास्तविकता में प्रभु ये चाहते थे कि किसी भी तरह कद्रु विंता को दासत्व से मुक्त करने का वचन दे, और ऐसा ही हुआ। पर अब यदि कोपल नहीं उगी तो विंता गरुड़ को अनुमति नहीं देगी, और बिना अनुमति के गरुड़ अमृत लेने नहीं जाएगा। परमा, प्रभु विष्णु तो योग निद्रा में जा चुके हैं, उन्हें जगाना संभव नहीं, और सूर्यदेव भी उदित होने ही वाले। क्या होगा मां? कराग्रवस्थ लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मिले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शन। कोपल नहीं होगी, आपने गरुड़ को अधर्म करने से बचा लिया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। गरुड़, प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया मां। तो अब आप भी मेरी तरह निष्ठुर हो गई थी, गरुड़ को अधर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे दी। मैं क्षमा चाहती हूँ प्रभु, मैं आपकी लीला समझ नहीं पाई, पर मैं अब पहचान चुकी हूँ। कभी कभी बड़े धार्मिक उद्देश्यों के लिए अगर छोटा अधर्म करना भी पड़े तो उसे अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि वो अधर्म के साचे के भीतर छिपा माध्यम होता है, धर्म को स्थापित करने का माध्यम। कद्रु ने छल से विंता को दासी बनाया, और बिना किसी छल के कद्रु विंता को मुक्त करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। इसलिए ये छल भी कद्रु के कुकर्म का प्रतिफल है, और रहा प्रश्न अमृत का, उसकी सुरक्षा तो आपके नियंत्रण में है प्रभु, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आवश्यक होगा वो सब करेंगे आप। पर अमृत का पान किसी अयोग्य को कभी नहीं करने देंगे। अमृत के लिए जाने की इस यात्रा में सफल होने के लिए गरुड़ को अपनी मां का आशीर्वाद चाहिए। आपने तो दे दी, पर अब देखना यह शेष कि उसे अपनी मां का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं। अनुमति दीजिए मां। कैसे कैसे दे दूं अनुमति?
अमृत की सुरक्षा का चक्रव्यूह कितना कठिन है, कितने पहरे, कितने संकट होंगे जानता है ना तू? देवराज तुझे कभी अमृत तक नहीं पहुंचने देंगे। और देवराज ही क्यों, अब तो सभी देवता अमर हो चुके हैं, कैसे करेगा उनसे युद्ध? उनके सुरक्षा चक्रों को तोड़कर अमृत कैसे प्राप्त करेगा गरुड़? यदि किसी तरह तूने कर भी लिया तो भी प्रभु विष्णु तुझे अमृत नागों को सौंपने कभी नहीं देंगे। और ऐसे में यदि वही तेरे सामने आ गए तो आपके लिए मैं उनसे भी टकरा जाऊंगा मां। यही था ना आपका छठा संस्कार? आप ही ने सिखाया था ना मां कि धर्म के लिए जगत पिता श्री विष्णु से भी टकराने में कोई हानि नहीं है। मेरे लिए मेरी माँ की मुक्ति ही सबसे पहला धर्म है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ करुण, क्या उत्तर दूँ तेरी इस बात का? मेरी मुक्ति के लिए तू इतना कुछ करने को तैयार है, इसलिए वचन दे मुझे, तू अपने पिता का आशीर्वाद देने के बाद ही आगे बढ़ेगा। हो सकता है वही तुझे उचित मार्ग दिखा पाए। वचन दे मुझे। मेरे मुख पे रहे मुस्कान सी तू, मेरे मस्तक का अभिमान भी तू, एक आशीर्वाद में जग दे दे, है सबसे बड़ी धनवान भी तू, तेरी ममता से अनमोल कोई उपहार है माँ, उपहार है आशीर्वाद दीजिए बड़ी माँ। तेरी मातृभक्ति अनुपम है करुण, अपने लक्ष्य में सफल हो। अगली बार जब आपको देखूंगा तो आपके हाथों में ये बंधन का प्रतीक दासत्व का धागा नहीं होगा मां। अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होंगी आप। चलता हूँ मां। प्रभु
मां विंदा की मुक्ति के बारे में सोचकर मैं प्रसन्न तो हूं, पर गरुड़ के लिए एक विचित्र से चिंता भी हो रही है मन में। तुम्हारा चिंतित होना उचित है शेष, क्योंकि गरुड़ का यह लक्ष्य अब तक के सभी लक्ष्यों से भिन्न है। सबसे पहले अमर हो चुके देवताओं को पराजित करके अमृत तक पहुंचना लगभग असंभव होगा, और यदि वे वहां तक पहुंच भी गए तो फिर कद्रु तक अमृत पहुंचाने से पहले उसे मेरा सामना करना होगा। ये कैसी लीला है प्रभु, एक ओर आप करुड़ का मार्गदर्शन कर रहे हैं और दूसरी ओर उसी के मार्ग का अवरोध बन रहे हैं। ऐसा क्यों प्रभु? क्योंकि ऐसा करना मेरा धर्म है। सृष्टि के नियम जो मैंने बनाए मैं स्वयं भी उनसे बंधा हूं। गरुड़ को इन सब चुनौतियों का सामना करके अपने कर्म को पूरा करना है, यही तो है अग्नि परीक्षा। अब देखना यह कि गरुड़ इस अग्नि परीक्षा में कैसे सफल होगा। जीवन में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और यह हर जीव का चुनाव निर्धारित करता है कि वो लक्ष्य उसे प्राप्त होगा या नहीं। उसी प्रकार विंता और गरुड़ को दासत्व से मुक्ति मिलेगी या नहीं, ये विंता का मुझ पर विश्वास और गरुड़ की कर्म निष्ठा तय करेगी। गरुड़ अपने प्राणों को संकट में डालकर अमृत देने गया है ताकि मैं दासता से मुक्त हो सकूं। यदि आपकी यही इच्छा है प्रभु तो मुझे स्वीकार है। एक सच्चे भक्त को हर स्थिति में अपने प्रभु पर विश्वास होना ही चाहिए कि जो विधान उन्होंने निर्धारित किया है वही सभी के लिए सही है। मुझे भी विश्वास है नारायण, इसलिए अपने पुत्र की रक्षा की चिंता मैं आपके चरणों में सौंपती हूं। आज पहली बार मैंने गरुड़ को भोजन के लिए भी नहीं कहा। न जाने कितना भूखा होगा मेरा पुत्र। अद्भुत, मां चाहे कोई भी, किसी भी काल, किसी भी स्थान, उसकी आंखें उसकी संतान की भूख पर ही रहती। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितनी भी महान उपलब्धियां क्यों ना प्राप्त कर ले, किंतु अपनी मां की दृष्टि में वो सदैव एक छोटी संतान ही बना रहता है, जिसे भोजन कराने का दायित्व उसकी मां का होता है। आपने सत्य कहा प्रभु, क्योंकि संतान समय के साथ मां की गोद से बड़ी तो हो सकती है, पर उसके हृदय में न समय इतनी बड़ी नहीं हो सकती। अनंत होता है मां का हृदय, अनंत होती है मां की ममता। हे स्वामी गरुड़ की सहायता कीजिए, हे स्वामी गरुड़ की सहायता कीजिए। भोजन किया पुत्र? पिताजी को कैसे ज्ञात हुआ कि मुझे भूख लगी है?
भोजन तो नहीं किया है पिताजी। पहले भोजन कर लो पुत्र, फिर बात करेंगे। क्षमा कीजिए पिताजी, परंतु मैं एक बहुत ही आवश्यक उद्देश्य के लिए निकला हूँ और जब तक उसे पूरा नहीं कर लेता, भोजन या विश्राम के लिए विराम मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे बड़ी माँ के लिए अमृत लाना है। पिताजी आप तो सब जानते हैं। तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता हो रही है, पर वो सही भी है। पर पुत्र, जिस उद्देश्य के लिए तुम निकले हो उसे पूरा करने के लिए तुम्हें लंबा युद्ध करना होगा और उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के लिए भोजन भोजन आवश्यक है पुत्र। पिताजी के इस परम सात्विक आश्रम के निकट मुझे मांसाहार कहां से मिलेगा? पुण्यदायक सरोवर के निकट जाओ पुत्र, तुम्हें वहां केवल भोजन ही नहीं मिलेगा, दो प्राणियों की मुक्ति के साधन भी बनोगे तुम। गरुड़ के माध्यम से मुक्ति किसे मिलेगी प्रभु? दो ऐसे प्राणियों को जो किसी की कल्पना से भी अधिक विशाल है। एक है हाथी, 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा। और दूसरा है कछुआ, 3 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा। ये दोनों इतने समय से एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं कि अपने द्वेष का कारण तक भूल चुके हैं। विशाल का आयतन और असीमित शक्ति के कारण इनमें अहंकार आ चुका है और अहंकार में चूर प्राणी अपने से दूर प्राणियों के साथ अत्याचार ही करता है। जब तक वह अकारण किसी के साथ झगड़ा ना कर, उसके भीतर की ऊर्जा अशांत ही रहती है। इसी कारण युद्ध अब इन दोनों की प्रवृत्ति बन चुका है और इसी कारण पूरा वन आतंकित है। इन दोनों के युद्ध के कारण वन का वो वाला भाग पूरी तरह सुनसान पड़ चुका है जहां सरोवर के जल से छोटे पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाया करते थे। अब सभी प्राणी इन दोनों से त्रस्त है, त्राही त्राही कर रहे। परंतु पिताजी, ये कछुआ और हाथी आपस में लड़ क्यों रहे? पिछले जन्म में दोनों सगे भाई थे घर के। बड़े भाई का नाम था महर्षि विभावशु और छोटे भाई का नाम था महर्षि श्रुति। महर्षि होने के बाद ये दोनों अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर, उसके धन के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ा करते रहते। जब दो भाई आपस में झगड़ा करते तो बाहरी व्यक्ति आकर उसका लाभ उठाता, उनकी क्रोधा अग्नि में घी की आहुति डालता और उस झगड़े को इस सीमा तक ले जाता कि वहां से लौटकर वापस आना संभव नहीं होता। ऐसा ही इन दोनों के साथ भी हुई। दूसरों की बातों में आकर इनका झगड़ा शत्रुता में बदल गया और फिर एक दिन विभावसु ने क्रोध में आकर सुप्रतीक को हाथी बनने का श्राप दिया और सुप्रतीक ने क्रोध का उत्तर क्रोध में और विभावसु को कछुआ बनने का श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद दोनों को आभास हुआ कि उन दोनों ने कितनी बड़ी भूल कर दी है। तभी उन्होंने निर्णय लिया कि उनसे बड़े आकार वाला कोई पक्षी यदि उन दोनों को एक साथ अपना आहार बना ले तभी उन्हें श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। सही समय आ गया है गरुड़, न केवल तुम उन्हें मुक्त करो बल्कि उन सभी प्राणियों की रक्षा करनी है जो उनके युद्ध से ग्रस्त होकर जल सरोवर से अपनी प्यास भी नहीं बुझा सकते और न ही वन में शांति से जी पा रहे। फिर तो इन दोनों प्राणियों का आहार मैं अवश्य करूंगा पिताजी, आज्ञा दीजिए। सफल हो पुत्र। आ
आपने सत्य कहा था प्रभु, ऋषि कश्यप के कथन को सत्य करने के लिए अवश्य आपने ही विनता के मन में विचार डाला कि गरुड़ अपने पिता का आशीर्वाद लेकर अमृत लेने जाए ताकि इन दोनों प्राणियों का कल्याण हो सके। क्रोध में चोर इन दोनों प्राणियों को यह आभास तक नहीं है कि इनका झगड़ा कितने निर्दोष पशु पक्षियों को आतंकित अनुभव हो रहा है। यदि समाज के लिए कोई संकट बन जाए तो उसका विनाश करना धर्म होता है। आपस में झगड़ का समय क्यों नष्ट कर रहे हो? यदि साहस है तो मुझसे युद्ध करो। तुमने अपने मृत्यु को ललकारा है पक्षी, ना तनिक भी भार, ना विशाल आकार, कुछ भी नहीं है तेरे पास, केवल मूर्खता है। और अब तेरी मूर्खता का दंड दूंगा तुझे। चींटी जैसा है तू मेरे सामने, चींटी के समान ही उछल कर रख दूंगा। जो कार्य इतना कठिन लग रहा था कितनी सरलता से पूरा कर दिया गरुड़ ने। इतनी शीघ्र प्रसन्न मत हो शेष, प्रभु ने परीक्षा लेने का निश्चय किया है। यदि कार्य इतनी आसानी से पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ ये है कि हम प्रभु की परीक्षा को समझ ही नहीं पाए, और कुछ न कुछ अवश्य ऐसा होगा जो अभी हमारी दृष्टि से ओझल है, पर जब सामने आएगा तो उसकी कसौटी पर खरा उतरना बहुत कठिन होगा। आपने तो सच में मुझे निष्ठुर समझ लिया देव। ये सत्य है कि सृष्टि में संतुलन बनाने का भार मुझ पर मेरे निर्णय से भी बड़ा होता है ऋषियों का तपोबल। गरुड़ भोजन कर ये उसकी माँ की इच्छा थी, और इन प्राणियों का सेवन करके इन्हें मुक्ति मिले ये उसके पिता महर्षि कश्यप का आदेश था। इस घटना में मेरा कोई योगदान नहीं है देवी। सत्य तो ये है कि ये संसार जानता ही नहीं कि ऋषियों की वाणी में कितना सामर्थ्य, कितना पुरुषार्थ होता है। यदि ऋषि कुछ कह दे तो भगवान भी उनके वचन को सत्य करने के लिए बाध्य हो जाते। इसीलिए महर्षि दुर्वासा के श्राप के बाद मैं आपका वियोग सहने के लिए विवश हो गई थी। सत्य वचन देवी,
इसलिए ऋषि मुनियों की वाणी चाहे मीठी हो या उसमें क्रोध की कड़वाहट खुली हो, वो सदैव जगत का कल्याण ही करती है। मुझे अपनी योजना उनके अनुरूप बदलनी पड़ती है ताकि मैं ऋषि मुनियों के वचन को सत्य सिद्ध कर सकूं। जो भगवान को भी विवश कर दे ऐसा तपोबल से अर्जित पराक्रम अद्भुत है ब्रह्म। मुझे कोई ऐसा स्थान ढूंढना होगा जहां किसी और को कष्ट दिए बिना शांति से इन दोनों का हार कर सकूं। उस वृक्ष पर बैठकर भोजन कर सकता हूं मैं, वहां कोई और आएगा भी नहीं। यहां तो वाल के लिए ऋषि तपस्या कर रहे हैं, यदि ये शाखा टूट गई तो ये सभी ऋषिगण गहरी खाई में गिर जाएंगे और तब इनके मृत्यु होना निश्चित है। प्रभु ये कैसी परीक्षा है आपकी? यदि ये शाख टूट गई तो गरुड़ को ऋषि हत्या का महापाप लग जाएगा। और यदि गरुड़ ने चेतावनी देने के लिए उन्हें जगा दिया तो भी तपस्या भंग होने के कारण वो क्रोधित हो सकते। आपकी आशंका सत्य है देव। बड़े से बड़े ऋषि मुनि अपनी साधना में अग्नि जल वायु हिम सब सहन कर लेते हैं पर व्यवधान सहन नहीं करते। यदि इन ऋषियों ने गरुड़ को कोई श्राप दे दिया तो फिर ना तो वो देवराज इंद्र से जीत पाएगा, ना उसे अमृत मिलेगा और ना ही विंतमा मुक्त हो पाएंगे। अकल्पनीय अविश्वसनीय बुद्धि संवेदना और संतुलन तीनों का परिचय दिया है गरुड़ ने। ये आपका वाहन बनने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है प्रभु। आप बहुत शीघ्र बहुत अधिक प्रसन्न हो रही हैं देव। अभी तो गरुड़ ने केवल उड़ान भरी, अभी ये देखना शेष कि वो भूमि पर कैसे उतरेगा। और यदि वालखिल्य ऋषियों को यह पता चला कि गरुड़ के कारण उनकी साधना का स्थान बदल चुका है तो वह क्रोधित भी हो सकते हैं और उसे श्राप भी दे सकते हैं। यदि उस समय ऋषियों का कोई अहित हो गए या उन्हें कोई चोट लग गई तो क्या होगा? मुझे इस भूल को सुधारना होगा। पिताजी से सहायता मांगनी होगी मुझे। इसे तो भोजन करने के लिए भेजा था, इन दोनों को यहां क्यों ले आया? वालखिल्य ऋषि, गरुड़ कहीं भूलवश वालखिल्य ऋषियों को गिरा न दे, अन्यथा गरुड़ को वालखिल्य ऋषियों के क्रोध से बचाना असंभव हो जाएगा।
तेरी देह विशाल है किंतु तेरी बुद्धि अल्प है। हम तो तुझे यहां आशीर्वाद देने आए थे किंतु किंतु अब हम तुझे श्राप देंगे। श्राप श्राप श्राप। मुझे इन वाल्खिल्य ऋषियों को इनके ध्यान से जगाना ही होगा, अन्यथा जब इनकी साधना समाप्त हो जाएगी तब ये जानकर के इनके साधना स्थल को बदल दिया गया है तो वो इस बात को अपना घोर अपमान समझेंगे। प्रभु, ऋषि कश्यप का भय यदि सत्य में परिवर्तित हो गया तो गरुड़ को वाल्खिल्य ऋषियों के क्रोध से कोई नहीं बचा पाएगा। यह अनजाने में कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे, कहीं इस भूल के कारण मैं अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराने में असफल ना हो जाऊं।